अपनाने का। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में घूम रही है। ज्योतिराज सिंधिया ये बताए कि महिला सम्मान की बात करते अच्छा लगता है, होना चाहिए। ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ, विशेष परिवार की संपत्ति करोड़ों की मेरी है, तो और झांसी की रानी की हत्या हुई वो भी एक महिला थी, उसके लिए ज्योतिराज सिंधिया को माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं, बताओ आप, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या की उसके लिए कोई जवाब नहीं है जनता के लिए बताने के लिए। 15 साल क्या किया ये बता नहीं सकते, 7 महीने क्या किया ये बता नहीं सकते, अब क्या करेंगे कोई प्रोग्राम नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कर दी, ज्योतिराज सिंधिया गद्दार है कि नहीं है? ये जनता की आवाज है। जो लोग बिके वो कितने कितने में बिके, तो ये जो लोग बिके ये जनता का मूल भाव ये है जो मैं बताना चाहता हूँ। हम सिर्फ मध्य प्रदेश समृद्ध बनाना चाहते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। बीजेपी में मुद्दों की बात करने की हिम्मत है तो सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, वोट मांगे तो कैसे मांगे, परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता इनको वोट क्यों दे? जो लोग 15-15, 20-20 साल से इनके कारण यातनाएं कभी कभी झेलते थे, अब उनको कहते हैं इनको भगवान मानो। मैं मानता हूं कि बिसाऊ लाल हो या अन्य कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, बीजेपी के कार्यकर्ता भी इनको हरा रहे हैं, जब ही तो रिवाल्वर लहरा रहे हैं।